नमस्कार, मैं मधु सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हिंदी के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह की जयंती है। इस अवसर पर प्रस्तुत है उनकी कविता धार्मिक दंगों की राजनीति। आवृत्तिकार हैं सूर्यदेव रॉय। आइए सुनते हैं। जो धर्मों के अखाड़े हैं उन्हें लड़वा दिया जाए। जरूरत क्या कि हिंदुस्तान पर हमला किया जाए। मुझे मालूम था पहले ही ये दिन गुल खिलाएंगे, ये दंगे और धर्मों तक भी आखिर फैल जाएंगे। तबीयत को रंगो जिस रंग में रंगती ही जाती है, बढ़ो जिस सिमत में उसकी ही सीमा बढ़ती जाती है। जो हिंदू मुस्लिम था वो सिख हिंदू हो गया। देखो ये नफरत का तकाजा और कितना बढ़ गया। देखो हम इससे पहले भी मिलजुल के आखिर रहते आए थे, जो अपने भी नहीं थे वो भी कब इतने पराए थे। हम अपनी सभ्यता के मानी और मतलब ही खो बैठे। जो थी अच्छाइयां इतिहास की उन सबको धो बैठे। तबीयत जैसी बन जाती है फिर बनती ही जाती है। जो तन जाती है आपस में तो फिर तनती ही जाती है। हमारे बच्चे वही सीखते हैं हम जो करते हैं। हमें ही देखकर वो तो बिगड़ते या संवरते हैं। जो हश्र होता है फर्दों का वही कौमों का होता है। वही फल मुल्क को मिलता है जिसका बीज बोता है। यह हालत देखकर अपने जो दुश्मन मुल्क होते हैं हमारी राह में वो चुपके चुपके कांटे बोते हैं। हमारे धर्मों की क्या क्या ना वो तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि हम तो आपके धर्मों पे मरते हैं। ये हैं कितने महान, इनकी तो बुनियादें बचाना है। दरअसल हमको लड़ाकर उनकी बुनियादें हिलाना है। ये मुल्क इतना बड़ा है यह कभी बाहर के हमले से ना सर होगा। जो सर होगा तो बस अंदर के फितने से। ये मंसूबा है दक्षिण एशिया में धर्म के चक्कर चले और बौद्ध हिंदू सिख मुस्लिम में रहे टक्कर। वो टक्कर हो कि सब कुछ युद्ध का मैदान बन जाए। कभी जैसा नहीं था वैसा हिंदुस्तान बने।